भाई आरती हमारे समाज के सरताज माननीय श्री जोगेंद्र भाई सानी जी,
आपका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय दे करके समाज में आकर के आपने हम लोगों का मान और सम्मान बढ़ाया है। इसी कड़ी में बिर समाज कल्याण संघ के राज्य उपाध्यक्ष मुंबई से चल करके इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्री भगवान भाई सहनी जी आप आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ मैं बिर समाज कल्याण संघ के संस्थापक श्री नारायण जी आप मुंबई से चल के सूरत में आए, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शैलेश भाई टंडेल जी फूलर सेना के गुजरात के प्रभारी हमारे मित्र राकेश जी, श्याम सुंदर सिंह जी और एकलव्य सेवा मंडल के संस्थापक माननीय जी राम बच्चन जी, आप सभी का मैं दिल से इस मंच से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कुछ हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो मेहनत किए हैं उनका भी हक बनता है, उनका सम्मान करेंगे। तो सबसे पहले मैं कौशिक भाई कश्यप बिर समाज कल्याण संघ के जो गुजरात के प्रदेश महामंत्री हैं उनको मंच पे मैं बुलाना चाहूंगा और इनका स्वागत करने के लिए शेर बहादुर बिल जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे गुजरात प्रदेश के महामंत्री जी का स्वागत करेंगे। अगली कड़ी में सूरत जिला के महासचिव बिर समाज कल्याण संघ के राज बहादुर बिंद जी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप संगठन एक मंच पे आ गया है, इसके लिए आप लोग को जोरदार तालियों से स्वागत करो साथियों। जब भगवान हमारे पुराण निषाद में ताकत नहीं होती अगर शक्तियां नहीं होती साथियों, तो आज हमारे मंच पे हमारे समाज को एकत्रित करने का काम हमारे पुराण निषाद जी ने किया है। इनको भी मैं अपने भगवानों में भगवान महापुराण निषाद जी का आज हम लोग उत्सव के जन्मोत्सव मनाते हैं साथियों। मैं थोड़ा इनके बारे में आप लोगों को परिचय बता देना चाहता हूँ जो कि आप लोग इलाहाबाद नगरी के जानते होंगे। साथियों इलाहाबाद नगरी को पहले संगम नगरी कहा जाता था साथियों, लेकिन कुछ दरार लोगों ने संगम नगरी को तोड़ने का काम किया साथियों और उसको त्रिवेणी बना दिए। साथियों यही संगम निषाद है जिनके तीन पुत्र थे संगम निषाद के, तीरथराज निषाद, प्रयागराज निषाद और सिंगी निषाद निषाद। साथियों तीरथराज निषाद के हमारे बेटे आए जो गुहराज निषाद जी है जो कि आज भी सिंगरपुर धाम में उनका किला 3 किलोमीटर के रेंज में साथियों आज भी विराजमान है। कल आज के दिन वहां लाखों क्या 200-400 लाखों की तादाद में अपने निषाद राज जयंती मनाते होंगे साथियों। आप लोग के ऊपर फेसबुक पे जरूर आ जाएगा साथियों कि हमारे गुहराज निषाद की यही जन्म खाता है। साथियों आज हम लोग गुहराज निषाद की जयंती के बारे में अपने समाज को एकत्रित करने का आज अपना समाज क्यों पीछे है यही कारण है कि हम यहाँ पर कोई एक समाज बना लिया है निषाद समाज, कोई बिंद समाज, कोई एकलव्य। तो हम बिंद है तो आप कश्यप है तो आप केवट है तो मल्लाह है तो कोई माझी है, यही हमें यहाँ को खोलने का काम जो किया है नेता लोग और नेता नहीं अपने ही भाई लोगों ने किया है जो कि अपने भाई ही लोगों ने तोड़ के आज नरेंद्र मोदी ने घोषित कर दिया है गरीबों की दवाई है आरक्षण। अगर गरीबों की दवाई आरक्षण है तो मैं अपने सांसद विधायक नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि अपना आरक्षण बदलना चाहते हो क्यों नहीं लागू करवा सकते हैं। अगर भीमराव अंबेडकर ने हमारा संविधान लिखा है उसमें तो हमारा क्यों भाई सांसद और विधायक लोग जाते हैं किसी भी पार्टी से जाए हमें इससे नहीं मतलब है। लेकिन हमारा जो आरक्षण है उसको बदला जाता हमारी जो गरीबी है अपने समाज का कैसे होगा ये नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया है। तो साथियों हमें किसी पार्टी का विरोध नहीं है, जो भी भाई अपने समाज का किस पार्टी में लड़ता है
तो मैं उन लोगों से कहता हूँ अपना जेब मत भरना, लेकिन अपने गरीब समुदाय के लोगों का आरक्षण जरूर दिलाना चाहती हूँ। साथियों, समय कम होने के खातिर साथियों मैं और नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं निषाद पार्टी के जिला प्रभारी हूँ साथियों, इसलिए हेलो हेलो साथियों, इसी पर मैं आपको एक वंदना निषाद राज की आप लोगों के बीच में पेश करता हूँ, इसलिए बाद अपनी बारी को समाप्त करता हूँ साथियों। भारत में अपनी जनता है तो पावन वरदान पिताम दो, पावन वरदान हम वेद व्यास से ज्ञाति हो, एकलव्य कुंवर शासानी हो, जीवन के अपने नौ पथ पर हम छोड़ चले अभिमान, पितामह दो पावन वरदान, पतिव्रता निषाद नारी हो, हर बालक आज्ञाकारी हो, भाई से भाई मिलकर के हम करें लोक कल्याण।